अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर चुनावी दंगल। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है राफेल जावेद खान, जो नुहू विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस वक्त अगर सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दोस्तों, 95% उम्मीद लगाई जा रही है सूत्रों के अनुसार कि राफेल जावेद नुहू सीट से टिकट लेकर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर राफेल जावेद को अपना टिकट थमाया और अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में नुहू क्षेत्र से उतारा तो फिर यहां ऐसा चुनाव होगा जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। राफेल जावेद एक ऐतिहासिक चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी तैयारी पिछले 10 सालों से है। वो ज़्यादातर ऑफ कैमरा लोगों से मिलते हैं, लेकिन इलाके में उनकी बेहतर छवि बताई जा रही है। और इस टाइम राफेल जावेद से मेवात आज तक के न्यूज़ रूम से फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसमें पता चला कि राफेल जावेद का कहना है कि वो बिल्कुल प्रबल दावेदार हैं और टिकट लेकर आएंगे। उन्हें पार्टी पर पूरा भरोसा है कि पार्टी उन पर विश्वास जताएगी और अपना टिकट राफेल जावेद को देकर नुहू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी। यदि ऐसा मौका राफेल जावेद को मिलता है तो फिर नुहू विधानसभा क्षेत्र से भ्रष्टाचारी नेताओं को पूरे तरीके से साफ कर दिया जाएगा और एक नई राजनीति का आगाज होगा, नई शुरुआत होगी और बेहतर इलाके का विकास होगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है, नुहू विधानसभा क्षेत्र की जनता तब्दीली चाहती है। और नुहू विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाता बहन भाई तो ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि राफेल जावेद को अगर टिकट मिलता है तो वो पढ़ा लिखा शिक्षित नया नौजवान है, नया चेहरा होगा और जनता भरपूर उनका सहयोग भी करेगी और पुराने कद्दावर नेताओं से जनता को छुटकारा मिल जाएगा। अब ये पार्टी के ऊपर, हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि राफेल जावेद को वो चुनावी मैदान में उतारते हैं या फिर नहीं उतारते हैं। राफेल जावेद से जो बातचीत हुई है उनसे तो पता चला है कि उन्हें टिकट बिल्कुल कन्फर्म मिलने वाला है। 95% उम्मीद लगाए बैठे कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, ऐसा जावेद का कहना है। और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी वो यह है कि जावेद को अगर टिकट मिलता है तो फिर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और जावेद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।